हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पहला इकोनॉमिक्स का वीडियो है मेरे चैनल पे, और ये जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये आपका प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैं सिंपल तरीका बताऊँगा आपको ये टॉपिक समझने के लिए, और साथ में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हम आते हैं एग्ज़ाम में उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए मेरे पास तीन मेथड है, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडिशन मेथड की। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों में वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। मतलब कि ये जो अगर फैक्ट्री है मेरी जहाँ पे हम प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हम वुड ले रहे हैं और हम आउटपुट देंगे कॉपीज, क्लियर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वुड लेंगे, उसको पल्प में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको शीट्स में बनाएंगे, फिर उस शीट की कटिंग होगी, फिर बाइंडिंग एंड लेबलिंग एंड देन वी हैव अ कॉपी, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मेरे जो वुड की प्राइस है वो है, अगर एज्यूम कर लें 50, और हम जो कॉपी कन्वर्ट की हैं वो 500 तक की कॉपी बन गई है। मेरे पास कॉपीज़ ढेर सारी बन गई हैं, 500 तक की वैल्यू की कॉपीज़ बन गई हैं। तो हमने ये जो प्रोडक्शन वर्क किया, बल्ब बनाया, पेजेस बनाया, पेजेस को कट किया, लेबलिंग किया, बाइंडिंग किया, और देन कॉपीज़ रेडी। तो ये जो एडिशन हुआ है सर, मतलब हमने 50 की वुड को 500 की कॉपी में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ इस प्रोडक्शन वर्क की वजह से, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन वर्क है इसमें, इसके थ्रू हम लोगों ने इसमें 450 की वैल्यू एडिशन कर दी। तो सर ये कैसे निकला, सर आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा मेरा फॉर्मूला वैल्यू एडिशन का। कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन में हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसकी जगह पे और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, फॉर एग्जांपल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या है और सेल क्या है, जब मेरा जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, सपोज करिए हमने 500 की कॉपीज बनाई और वो पूरा मार्केट में सेल नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ स्टॉक बच गया, तो उस केस में हम ये वाला केस लगाएंगे, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले यहाँ पे कि हमने 500 का गुड्स प्रोड्यूस किया, 500 की कॉपीज प्रोड्यूस की, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरे पास 80 रुपीज़ का स्टॉक बच गया और हम सेल कर पाए सिर्फ 420 का, क्लियर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो स्टॉक मेरे पास कोई नहीं था, ओपनिंग में मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था, ज़ीरो था। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का मतलब है डियर सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हम इस वाले वैल्यू को, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें, तो देखते हैं मेरा फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया, चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक 80 माइनस 0, देन इट इज 80, ओके। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट is value of output is their sales, it is 420 plus 80 and we have 500 value of output. Now we will subtract intermediate consumption which is 50 and we have the 450 value addition, clear है। ये रहा question हमारे सामने, जैसा कि दिख रहा है आपको कि purchase by from x from y 100 crores
और परचेज बाई फॉर्म वाई फ्रॉम एक्स 150, सेल्स दिया हुआ है दोनों फॉर्म का, एक्सपोर्ट दिया गया है फॉर्म वाई का, चेंज इन स्टॉक दिया गया है दोनों फॉर्म का -20 and 10। क्लियर है? क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है सेल्स, सेल्स ही हम लेंगे आउटपुट कैलकुलेशन के लिए, एक्सपोर्ट ये मान लेंगे, या जो इंटर परचेज मतलब इंटर जो सेल है, इंटर फॉर्म मतलब फॉर्म्स के बीच में जो सेलिंग है, हम ये मान लेंगे कि सेल्स में ही इंक्लूडेड है। तो आइए शुरू करते हैं इस सम को सॉल्व करना। सर मेरे पास चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग चेंज इन स्टॉक नहीं निकालेंगे, सीधे हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है? तो ये हो गया फॉर्म एक्स के लिए, आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। सेल्स फॉर्म एक्स का जो है वो 200 दिया हुआ है, प्लस चेंज इन स्टॉक यानी -20 हम लोग प्लस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 180 करोड़, ठीक है? 180 करोड़ लिख देंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्म एक्स का आ गया। फॉर्म वाई का सेम एज इट इज़ उसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 300 प्लस चेंज इन स्टॉक यानी 10, सर ये मेरे पास आ गया 310। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो फॉर्म एक्स के लिए पहले हम लोग निकाल लें, फॉर्म एक्स का हम लोगों ने निकाला है 180 और इनका परचेज जो है वो है 100 रुपीज़ का, तो सर ये मेरे पास आ गया ₹80 करोड़, ठीक है? फॉर्म वाई के लिए हम लोग निकाल लें, इनके लिए जो आउटपुट हम लोगों ने निकाला है वो है 310 और इनका जो परचेज था वो है 150, मेरे पास आ गया 160 करोड़, ठीक है? और इन सब को दोनों को ऐड करके अगर हम लिख दें यानी ₹240 करोड़, दैट इज़ दी ओवरऑल मतलब फॉर्म एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू एडिशन ये रहा। और इसको हम बोलेंगे GVA@MP, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, या इसको हम GDP भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फॉर्म इन एन इकोनॉमी कैलकुलेट GVA@MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म, वे डोमेस्टिक इनकम इन करोड़ दिया हुआ है आपको, इन डोमेस्टिक इनकम 300, एक्सपोर्ट है 100, यानी यहाँ पे तो दोनों सेल है वो अलग अलग दी हुई है, मतलब एक्सपोर्ट की सेल अलग है और डोमेस्टिक सेल की अलग है, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेल दिया हुआ था यानी उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, ठीक है? फिर उसमें आप देखेंगे कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, परचेज फ्रॉम एक्स, परचेज फ्रॉम वाई, किसी से भी परचेज करें हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि परचेज हम कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, फिर चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? हम लोग प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेंगे क्योंकि भले वो बिका नहीं है, मार्केट में सेल नहीं हुआ, भले हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इन दैट पीरियड जिस पीरियड का हम नेशनल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, उस पीरियड में वो प्रोडक्शन में हुआ था, प्रोडक्शन यूनिट में प्रोड्यूस हुआ था। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर फॉर्मूला है मेरा, आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सारे सेल्स को हम लोग और प्लस प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन को भी हम लोग ऐड कर लें, यानी 300 + 100 + 50 फॉर सेल्फ कंजम्पशन वाला, और प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक यानी दैट गिवन इज 60, वी हैव 400 + 50 एंड दैट इज 510 करोड़। क्लियर है? अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल्स मेरे पास है 510 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग तीन सोर्सेज से परचेजिंग किए थे, परचेज फ्रॉम एक्स प्लस परचेजेस ऑफ वाई फ्रॉम वाई एंड इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हम किए थे, तो ये सब ऐड करके हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 510 माइनस 210 इट विल गिव अस 300 ऑफ वैल्यू एडिशन, 300 करोड़, एंड दैट इज GVA@MP। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में फर्दर एडिशन करते हुए हम निकालना सीखेंगे GDP से NNP@FC यानी नेशनल इनकम। क्लियर है?
तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो NFIA है, डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 40 का, सब्सिडी है 10 का, क्लियर है। तो आइए हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला। सर मेरे को चाहिए NNP@FC। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी मैथड है कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए। और मेरे पास गिवन है GDP@MP, जिससे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे कंप्यूट किया था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस ग्रॉस को कन्वर्ट करना है N पे, ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट पे। तो आपको मालूम है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, क्लियर है सर, हो गया। फिर डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल पे, हम लोग GDP को NNP@FC बना रहे हैं, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर आइटम लेके चलेंगे। डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल पे, तो हमें क्या ऐड करना होगा, NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, NFIA। फिर पी और पी उसी तरह रहेगा, कोई चेंज नहीं है। MP को हमें बनाना है FC, तो हम माइनस कर देंगे NIT, क्लियर है, हम माइनस कर देंगे NIT, और NIT का मतलब है IT माइनस सब्सिडी, क्लियर है। तो आइए इसी के साथ हम लोग सीखते हैं GDP से NNP@FC कैसे बनेगा, ठीक है। GDP मेरे पास गिवन है 300, और डेप्रिसिएशन अगर आप क्वेश्चन में देखें यहाँ पे 80 मेरे पास दिया हुआ, तो माइनस करते हैं हम लोग। NFIA जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन में है 70, उसको ऐड कर लिया जाए, एंड देन IT इट मीन्स 40 माइनस ये सब्सिडी, क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 290 माइनस 30, एंड इट विज बी 260 माई नेशनल इनकम, क्लियर है, समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना रिव्यू क्वेरी कुछ भी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कमेंट के थ्रू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये बेल आइकन उसके बगल में ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट अगर हमारे चैनल का आता है तो आप उससे मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।